सत्संग जीओ। अज दुनिया भर के जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी का 645वां परम दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रगट दिवस में मुख रखदिया होया पूरे यूरोप में करमूने की धरती इटली दे विच भी समूह संगत वालों सतगुरु दास महाराज जी के प्रगट दिवस में मुख रख के श्री गुरु रविदास ग्रंथ श्री अमृत बाणी के प्रकाश किए गए। धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी की गोद का आनंद माणिया समूह संगतान जय गुरदेव धन गुरदेव जीओ। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जीओ। धन धन सतगुरु बाल जी महाराज जीओ। धन धन सतगुरु कबीर जी महाराज जीओ। धन धन सतगुरु फरीद जी महाराज जीओ। धन धन सतगुरु नामदेव जी महाराज जीओ। धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज जीओ। धन धन श्री गुरु रविदास ग्रंथ अमृत बाणी की गोद का आनंद माण रही समूह संगत अज करमूने गुरु घर में एकत्र हुई। गुरु प्यारी सतसंग जी असी बहुत भागा वाले हाँ कि असी उस रहवर गरीबा मजलूमा दे मसीहा क्रांतिकारी सतगुरु दास महाराज जी का प्रगट दिवस मना रहे हैं। हर सो हीरा छाड़ के करे अन की आस ते नर दूज के जाएंगे सतपाके रविदास। 1433 की महाविसुदी पतरास दुखियों के कल्याण हित सत्संग जीओ। जदों इस दुनिया ते गरीबा मजलूमा ते हद तो वध तशद्दुद हुंदे गरीबा मजलूमा नाल धक्का हुंदा उस वेले धरती कोलों इन्हां पापां दा भार ना सहारदे हुए धरती ने अकाल पुरखे बेनती की हे दुनिया के मालक मेरे तो गरीबा ना धक्का हुंदा जरिया नहीं जाता कृपा करो एहो जिहा अवतार नूं भेजो तां जो कोई गरीबा की बाह फड़ सके। गुरु प्यारी सतसंग जी धरती की पुकार सुन के धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी 1433 माघ सुदी 15 अवतार तारिया तो धन है माता कलशा जी कुख चो पिता साहब जी ने जन्म लिया। धन है पिता संतोख दास जी जिन्हां दे कुल नूं भाग लगे। धन है दाता कालू राम जी। धन है दादी लखपति के जिन्हां दे पोतरे सतगुरु दास महाराज जी हुए। सतगुरु दास महाराज जी जुतियां कंडर दी किरत करदे सी। किरत करदिया करदिया बाणी के नाल दुनिया नूं जोड़दे सी। उह सकाल नाल जोड़दे सी कि साडा इस दुनिया तों मरण जम्मण दा रस्ता खत्म हो। गुरु प्यारी सतसंग जीओ सतगुरु दास महाराज जी गृहस्थ जीवन भी बतीत किया। गृहस्थ जीवन बतीत करदे
माता लूना जी नाल उन्हां दी शादी होई। उस तो उपरंत धन धन श्री गुरुदास महाराज जी दे ग्रह विखे उन्हां दे पुत्र विजय दास दा जन्म होया। गुरु प्यारी साध संग जीओ, उस समय दे मुताबक धर्म दे ठेकेदार ने जातां पातां विच साढ़े समाज नूं वंडिया होया सी। सतगुरु दास महाराज जी ये सब कुछ ना सहारते हुए उन्होंने अपने जीवन दे विच क्रांति लियांदी। उस समय दे जो मनुवादी सोच दे लोग सीगे साढ़े समाज नूं ना ते विद्या पढ़न दा को हक सी, ना ही सानू धार्मिक विद्या का को हक सी। गुरु प्यारी साध संग जी उस वेले कहो जिहा समा होएगा कि सतगुरु दास महाराज जी उस समय के हाकमां दे नाल उन्हें टक्कर ली। सिकंदर लोधी दे दरबार विच गए, फिर अपनी नाम की कमाई दे नाल किन्ने उन्होंने सेवादार बने। तुसीं सुनिया है और ये सच है कि उस समय के 52 राजे सतगुरु दास महाराज जी के सेवक हुए। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज असीं जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी का 645वां प्रगट दिवस मना रहे हैं और अज असीं कुछ ना कुछ गुरु साहब जी दे कोल लै के जाना, चोलियां पा के जानियां आ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु दास महाराज जी सोच ते पहरा तद ही आपां दे सकदे हां कि जो पिता साहब जी ने सानूं हुक्म कीते असीं उन्हां हुक्मां ते पहरा देईए, तद साडा जीवन सुखी रह सकदा है, मरण जमण तों रहत हो सकदा है। आओ अपने इष्ट की मन में तरी आस और दियो ना पूजिए नमो गुरु रविदास। गुरु प्यारी साध संग जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी एहो फरमान करते हैं, हे प्राणी कि सानू दुनिया के वहमा भरमां तों बाहर निकलना चाहिदा है। सानू सिर्फ ते सिर्फ सर्वश्रेष्ठ दुनिया के मालक का याद करना चाहिदा है। सारी संगत को बेनती है, गुरु प्यारी साध संगत जी जो सतगुरु दास महाराज जी दियां पुत्र है, सानू अपने पिता साहब के चरणों च ओट आसरा लेना चाहिदा है। तुही मोही मोही तुही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो भी हम न पाप करंता आह अनंता पावन नाम कैसे होता। गुरु प्यारी साध संग जी, सतगुरु दास महाराज जी ये फरमान करते हैं कि असी किते भी किरत करिए पर सानू हो मालक कदी भी मालक नहीं बन दिता, असी उसके नौकर से नौकर ही रह जाने। ये सतगुरु दास महाराज जी का हुक्म है, उनका फरमान है, ये प्राणी अगर तू मेरे नाल जुड़ना है तो मैं तेन अपने वर्गा बना लवागा। सतगुरु रविदास ने फरमाते हैं कि हे मेरे धियो, हे मेरे पुत्रो, थोड़े और मेरे च कोई फर्क नहीं हैगा। फर्क तो सिर्फ इन्ना ही है कि जिस तरह से पानी के बच्चे एक डिगी मार दीए वो पानी बचों तरंगा उठदी हैं तो उसके बच्चे ही समा जाए हैं। इस तरह अपने दोनों बच्च इन्ना के अंतर है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जीओ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਠਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋਤ ਸਮੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਾਹੋ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਗੁਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਲਈ ਅੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੋ ਵਗੈਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਵਸਣ ਘਰ, ਸੁਖ ਘਰ ਹੈ ਦੇ ਠਾਮ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਮੇਂ ਦੂਸਰ ਮਾਰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸੰਗਤ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਖ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਖ ਮਰਗਟ ਗਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਂ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਮੋਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ
इस दुनिया तो जाते हैं, फिर असं जाते कितने हैं सचखंड बेगमपुरी के बच्चे और सुख संग फिर श्री छड के पा जाता है। वह सुख किरे खाने पाते जिन्होंने नाम की कमाई की होंगी है, सिमरन किया हों फिर महामारे जमन तो रहित होंगे। इसलिए परमपिता परमेश्वर सतगुरदास माई फरमाते कि मैंने जो दुनिया में रह रहे लोग उन्होंने भी सुख चाहिए है। जे प्राणी ने सुख लैना मरण तो बाद तो उन्हें नाम की कमाई सिमरन के संग की सेवा करनी चाहिए है। ये दो स्थानों से सुख प्राप्त है। गुरु प्यारी सत्संग जीओ आप सारे जानते होंगे डेरा सचखंड बल्ला संत शहीद रामानंद जी महाराज उन्होंने शहीदी तो बाद संत रंजन दास जी रहनुमाई हेठ धन धन श्री गुरुदास ग्रंथ अमृत बाणी जो ग्रंथ है उस संगत की चोली च पाया सचखंड बल्ला दे बानी धन धन बाबा पिपरदास जी गुरु सरदास हरिदास गुरु जोए सोह मरी रखिया करे तिस विघन लागे कोए। धन धन सतगुरु गरीब दास जी बंदना नित सुभा शाम चरण कमल डंडोत वत कोट कोट पढ़ना। गुरु प्यारी सत्संग जीओ सचखंड बल्ला दे महापुरशां ने अपने जीवन दे विच बहुत करना काली उन्हां दे पूर्णियां ते चलदे होए शहीद संतां श्री संत रामानंद जी महाराज और संत नंजन दास जी की रहनुमाई हेठ संतों की शहीदी तो बाद सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी एकत्र करके सतगुरु रविदास ग्रंथ अमृत बाणी का स्वरूप संतों की चोली च पाया। तुसी जानते हो कि सारी दुनिया के रविदास काम श्री गुरु रविदास ग्रंथ अमृत बाणी छत्रशाह हेठ परमपिता परमेश्वर सतगुरु दास महाराज जी के परम दिवस मनाए जा रहे हैं। गुरु प्यारी सत्संग जीओ श्री अमृत बाणी श्री गुरु रविदास ग्रंथ समूह संगत को बेनती है कि इसको पढ़ो पढ़ के विचारो ते अपना जीवन सफल करो। इस विच कोई शक नहीं है तुहानू पढ़न तो बाद यह जरूर महसूस हो जाएगा कि असीं कित्थों आए हाँ कित्थे पहुँचे हाँ कित्थे असीं जाना है साढ़े पल्ले दे विच चंगे कर्म किन्ने हन साडी चोली च माड़े कर्म किन्ने हन ये सब कुछ सानू श्री अमृत बाणी का याद करके पता चल जाएगा। इसलिए गुरु प्यारी सत्संग जीओ जो श्री अमृत बाणी श्री गुरु रविदास ग्रंथ है उस विच 140 शब्द फिर शांत बाणी दोहरा 35 अखरी जिसमें से उड़ाड़ा कहने ये सतगुरु रविदास महाराज जी की देन है। गुरु प्यारी सत्संग जीओ श्री गुरु रविदास ग्रंथ विराजमान लामा फेरे जो आनंद कार्य कराए जाते हैं 40 पदे ते जो तुसी ऐतवार
सोमवार मंगलवार हफ्तावार बाणी। फिर तुम देखते हो कि अज चंद्रमा चढ़िया है, पहला हो गया चंद्रमा, दूज हो गया, तीज हो गया। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, 15 तिथि बाणी श्री अमृत बाणी विराजमान है। फिर 12 मास असु ओ मा 12 महीने का जाप श्री अमृत बाणी विराजमान है। फिर गुरु प्यारे साध संगत जीओ अनेक श्लोक श्री रविदास ग्रंथ च विराजमान। सारी संगत को बेनती है कि तुसी अमृत बाणी का जाप करो, अमृत वेले उठो, कर बंद की शाट में मेरा हेठते सब सफल समेरा। परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि अमृत वेले उठ के मैं मेरे मार के अहंकार छड के उस अकाल पुरख का नाम जप। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज असी बहुत खुशी महसूस करते हैं कि सतगुरां दे पारकट दिवस तो लगभग 635 साल तो बाद श्री गुरु रविदास ग्रंथ सचखंड वाला पढ़िया की मेहनत सदका उत्थों के महापुरश भुला जी गुरु सरबंदास जी, गुरु हरिदास जी, गुरु गरीबदास जी महाराज, किन्नी मेहनत किन्नी करना करन तो बाद फिर श्री गुरु रविदास ग्रंथ श्री अमृत बाणी संगत की चोरी छपाई गई। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी उदास बेनती करता है सारी संगत के जिन्होंने बाणी का जाप नहीं किया, हर एक बाणी का जाप करना चाहिए है। जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने सू राह दिखाया है उससे सू चलना चाहिए है, तदे साडा इतने आना सफल हो सकता है। अगर असी सतगुरु रविदास महाराज दिया पुत्र है तो फिर सू उन्होंने पूर्णिया से पहरा देना चाहिए है। असी तंतां दे योग हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने अनेका यात्रावां कीतियां, अफगानिस्तान अलग अलग देशों में भी गए पर उन्हां दा वर्णन नहीं किया गया। सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु नामदेव जी महाराज उस वेले समकाली महापुरश होए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जे कली रे दास कबीर न होते, लोक वेद कल जुग मिल कर भक्ति साधन देते। ये वचन सतगुरु पीपा जी ने सतगुरु दास महाराज सतगुरु कबीर महाराज जी के मुखां विच मान कीते कि जी सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज जी दुनिया के नाम दे ते आ जो बड़े बड़े दीवार लगते हैं, बड़े बड़े इकट्ठ होते हैं और हर एक नाम जपण का अधिकार है, हर भक्ति कर सकता, हर एक सिमरन कर सकता है। ये सतगुरु गुरु रविदास महाराज सतगुरु कबीर महाराज जी ने गुरु प्यारी साध संगत जीओ बहुत कुछ ना कहते हुए कि मत याचिका क्योंकि प्रचार होर भी बहुत आए हुए हैं तो प्रबंधक ने कलाकार भी सदे हुए हैं तो उन्होंने भी वक्त लेना है। दास ही बेनती करता सारिया संगतान कि आप बाणी के नाल जुड़ो, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ
ना तुसी साजन माल को भनक तन तरस जवार। गुरु परि सत संग जी पर पिता परमेश्वर सतगुरु दास महाराज जी ने बेगमपुरे का वर्णन किया है। वो बेगमपुरा कड़ा है? गुरु प्यारी सत्संग जी बेगमपुरे पहुंचने सानू चंगे कर्म करने चाहिए हैं, संगत की सेवा करनी चाहिए है, लोड़वंद की लोड़ पूरी करनी चाहिए है अपनी समर्था के मुताबिक। उस बेगमपुरे में सतगुरु दास महाराज जी इस तरह बहाट के थोड़ी उड़ीक करते हैं, क्योंकि असी इस दुनिया च शरीर लैके आए हैं। जिस प्राणी के कोल शरीर है उन्हें आखिर एक दिन इतों जाना है। कि उस बेगमपुरे में सतगुरु दास महाराज जी साड़ी उड़ीक करते हैं कि जो पुत्र मैं धरती से भेजे हुए हैं वो नाम की कमाई करके आ चंगे कर्म करके आ। इसलिए गुरु प्यारी सत्संग जीओ जैसी गुरु चरणा जुड़े साड़ी मंजिल होनी चाहिए है। कोई ना कोई जिस प्राणी की कोई मंजिल नहीं होती वो फिर किसी भी जगह पर पहुँच नहीं सकता। राह दे विच ही धक्के तोले खाता खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु प्यारी सत्संग जी सानू बेगमपुरे की मंजिल तक पहुँचने सतगुरु दास महाराज जी श्री गुरु रविदास ग्रंथ अमृत बाणी का वो आसरा लैके उस मंजिल का राह तय करना चाहिए है। बाणी का जाप करना चाहिए है। किरत करके असी अपना भी परिवार पाल सकते हैं और लोड़वंद की सेवा भी कर सकते हैं। सतगुरु दास महाराज जी ने किरत भी की, नाम की कमाई भी की। सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी किरत की और नाम की कमाई भी की है। इसलिए गुरु प्यारे सत्संग जी सानू काज करद्या होया संगत की सेवा समाज में चंगे कर्म करने चाहिए हैं ता जो कि असी बेगमपुरे के वासी बन सकी। बहुता कुछ ना कहते हुए खेमां दे याचकां ते दास की इन्नी हाजरी प्रवान करो जो बोले सुनन पाए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।